नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम प्लस इंडिया में। मैं मोहन पोखरियाल आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में कुछ नई मशीनों के साथ, और इस बार आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बेहतरीन स्टीम मशीनें। स्टीम मशीनों की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है दोस्तों, तो IFB ने कुछ नई स्टीम वॉशिंग मशीन लॉन्च करी है। तो अभी मैं आपको दो वॉशिंग मशीन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम 7 kg वॉशिंग मशीन के बारे में आपको बताएंगे, सो बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, मैं आपको दो मशीनों के बारे में बताऊंगा। तो अभी पहली जिस मशीन के बारे में बता रहा हूं इस वीडियो में, ये है सेरेना ZSS, जो कि 7 kg का मॉडल है और ये 1000 RPM में आया है। अब इस मशीन की मैं आपको डिटेल से जानकारी देता हूं, क्या क्या इसमें प्रोग्राम है, क्या क्या फीचर है, क्या क्या फंक्शन है। तो चलिए जानते हैं इस मशीन के बारे में। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये है सेरेना ZSS 7 kg 1000 RPM की मशीन है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है एक्वा एनर्जी। दैट मीन्स कि इस मशीन के अंदर एक्वा एनर्जी लगा हुआ है डिवाइस, जो कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करेगा और आपकी वॉश क्वालिटी को इन्हेंस करेगा। साथ ही साथ आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3D वॉश। दैट मीन्स कि ये 3D शावर वाली मशीन है, यहाँ पे इसे 3 शावर आएंगे तो आपको वॉश क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं सबसे आगे पहले प्रोग्राम सेक्शन की। और अगर हम प्रोग्राम सेक्शन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला प्रोग्राम आपको जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यह है एक्सप्रेस वॉश। तो इस मशीन को हम करते हैं ऑन और देखते हैं एक्सप्रेस वॉश में टाइमिंग क्या आ रही है। तो मशीन ऑन करी है हमने और मशीन ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस वॉश में ही सेलेक्ट हुई है, और यहाँ पे जो टाइमिंग दिखाई है एक्सप्रेस वॉश में वो आ रही है 15 मिनट। आप देख सकते हैं 15 मिनट, और यहाँ पे आ रहा है कि 2 kg आप लोड डाल सकते हैं और 30°C आप टेम्परेचर इस पर कर सकते हैं, और 1000 RPM में ये मशीन स्पिन करेगी। तो आपको 15 मिनट के अंदर 2 kg के कपड़े 30° टेम्परेचर के साथ 1000 RPM में ये मशीन स्पिन करके देगी। ये पहले प्रोग्राम में है। सेकंड प्रोग्राम हमने लगाया सिंथेटिक / डेली, यानी डेली धोने वाले कपड़े या सिंथेटिक कपड़े। यहाँ पे 40° टेम्परेचर रहेगा, 800 RPM में मशीन वर्क करेगी, स्पिन करेगी। 2 घंटे 7 मिनट का टाइमिंग है, और आप 3 किलो के कपड़े इस प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट है बल्की एंड बेडिंग, यानी हैवी कपड़ों के लिए प्रोग्राम है, जिसमें आप 2 kg का लोड डाल सकते हैं। 40°C टेम्परेचर रहेगा, 800 RPM में मशीन स्पिन करेगी, और 1 घंटा 90 मिनट, यानी 1 घंटा 19 मिनट के आसपास ये मशीन काम करेगी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वूलन। वूलन के प्रोग्राम को जब आप सेलेक्ट करेंगे, तो 2 kg का आप लोड डाल सकते हैं, उसमें 30°C टेम्परेचर रहेगा, 800 RPM पे स्पिन करेगा। आपका इस पर जो टाइमिंग लगेगा वो 49 मिनट के आसपास का टाइमिंग ये मशीन लेगी काम करने पे। नेक्स्ट है स्पिन ड्राई / ड्रेन। तो यानी कि अगर आप स्पिन और ड्राई करना चाह रहे हैं, और या फिर आप वाटर ड्रेन करना चाह रहे हैं, तो ये इसके लिए है प्रोग्राम। यहाँ पे आप पूरा 7 kg के कपड़ों को जो है उसमें ड्राई में डाल सकते हैं, या आप ड्रेन कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 1000 RPM में ये ड्राई करेगी। रिंस + स्पिन, यानी कि मशीन खंगालेगी और सुखाएगी भी। तो यहाँ पे पूरा 7 kg की लोड को आप कर सकते हैं 1000 RPM में। इस पर टाइमिंग लगेगी 32 मिनट। अब ऊपर से सबसे पहला प्रोग्राम जो मिक्स सॉइल्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 kg का आप लोड डाल पाएंगे। 40°C टेम्परेचर रहेगा बाय डिफॉल्ट, 1000 RPM में मशीन स्पिन करेगी, और 2 घंटे 20 मिनट का इस पर टाइमिंग लगेगा। साथ में आप देख रहे हैं इन प्रोग्राम के आगे स्टीम का आइकन भी बना हुआ है, तो यहाँ पर इन प्रोग्राम में आप स्टीम प्रोग्राम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आए हैं मिक्स सॉइल्ड वाले प्रोग्राम पे। यहाँ पे 3 kg का आप लोड डाल सकते हैं, 40°C टेम्परेचर रहेगा, 1000 RPM में मशीन स्पिन करेगी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 घंटा 20 मिनट की टाइमिंग यहाँ पर आ रही है। ये 2 घंटा 20 मिनट की टाइमिंग इसलिए दिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि इस पर बाय डिफॉल्ट स्टीम प्रोग्राम सेलेक्टेड है। आपने जैसे मिक्स सॉइल्ड सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो स्टीम के आइकन बनकर आ रहा है, वो स्टीम भी इस पर सेलेक्ट हो चुका है। अगर आप स्टीम को हटाना चाहते हैं, आपने स्टीम का बटन प्रेस करना है, और जैसे आप स्टीम का बटन प्रेस करेंगे तो स्टीम हट चुका है। अब यहाँ पे आपने देखा था टाइमिंग 1 hour 44 मिनट दिखा रहा था, जबकि पहले 2 घंटे से ऊपर की टाइमिंग आ रही थी। तो स्टीम इस तरीके से आप हटा सकते हैं, या फिर स्टीम के बटन से वापस लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉटन नॉर्मल। कॉटन नॉर्मल में यहाँ पे आप साफ 7 kg का पूरा लोड डाल सकते हैं, 40°C टेम्परेचर रहेगा, 1000 RPM में स्पिन करेगी, और 2 घंटा 37 मिनट का यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है। तो इस प्रोग्राम में भी जैसे आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे सीधा टाइमिंग जो आ रही है 2 घंटे 37 मिनट की आ रही है। अब मैं स्टीम का बटन प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ, और इस तरीके से जो स्टीम का बटन मैंने प्रेस किया, तो स्टीम को मैंने हटा दिया है, तो टाइमिंग हो गई है 2 घंटे 1 मिनट। तो बाय डिफॉल्ट कॉटन प्रोग्राम लगाते ही स्टीम सेलेक्ट हो जाता है,
आप उसको हटाना चाहते हैं तो स्टीम का बटन प्रेस कीजिए, उसको हटा दीजिए। या आप दोबारा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वापस स्टीम का बटन प्रेस कीजिए, स्टीम फंक्शन वापस इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं हाइजीन, तो हाइजीन में 2 घंटे 56 मिनट की टाइमिंग आ रही है। 3 kg का आप लोड डाल सकते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे और 800 RPM में स्पिन करेगा। तो जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, जितने भी स्टीम वाले प्रोग्राम हैं, आप जब भी वो प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट स्टीम भी सेलेक्ट हो रहा है, तो इस प्रोग्राम में भी स्टीम बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, इसलिए 2 घंटे 56 मिनट की टाइमिंग आ रही है। अगर मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा स्टीम का बटन तो यहाँ पर स्टीम अनचेक हो जाएगा और यहाँ पर टाइमिंग हो गई है 2 घंटे 9 मिनट की, तो इतना टाइम रिड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट है बेबी वेयर, यानी बच्चों के कपड़े वॉश करने के लिए, तो 3 kg का आप लोड डाल सकते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, 800 RPM मशीन स्पिन करेगी और 2 घंटा 40 मिनट की इस पर टाइमिंग ये दिखा रहा है, जिस पे स्टीम प्रोग्राम इस पर बाई डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। अगर मैं इस पर भी स्टीम के प्रोग्राम को अनचेक करता हूँ तो टाइमिंग 1 घंटा 53 मिनट की हो जाएगी, यानी इतना टाइम रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कॉटन इको प्लस प्रोग्राम, तो 7 kg का आप इस पर लोड डाल सकते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा इस पर, 1000 RPM पे स्पिन कर सकते हैं आप और 2 घंटे 9 मिनट की टाइमिंग रहेगी। कॉटन इको वाले प्रोग्राम में 60 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा, इसलिए इसको इको प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है और पैसा कम लगता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्रेडल वॉश प्रोग्राम, जो कि IFBB का पेटेंटेड प्रोग्राम है। इस पे आप 2 kg तक का आप लोड डाल सकते हैं, 400 RPM पे स्पिन करेगा, 44 मिनट की टाइमिंग लगेगी और 30 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे IFBB के इस मशीन के प्रोग्राम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला स्पिन का बटन है, आप स्पिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वापस आऊँ यहाँ पर कॉटन के प्रोग्राम में, यहाँ पर 1000 RPM इसने दिखाया था, अभी देखिए 1000 RPM आएगा स्क्रीन पर, ये 1000 RPM इसको कम करना चाहूँ तो कम कर सकता हूँ, 1000 से 0, 400, 600, 800, 1000, तो मैं इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। टेम्परेचर भी मैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, 60 देन 40, तो क्योंकि कॉटन वाला मैंने सेलेक्ट कर रखा था उसमें मैक्सिमम 60 जाता है। अगर मैं आपको कॉटन नॉर्मल दिखाऊं तो यहाँ पे 90-95 तक टेम्परेचर भी चला जाएगा, 40-60-95 देखिए। और ये स्टीम वाला जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, यहाँ पर ये जो आप आइकन देख रहे हैं ये सिंबल्स हैं जो दिखाएगा कि इस पर क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या वो आइकन्स बने हुए हैं। साथ में ये स्टार्ट पॉज का बटन है, ये पावर ऑन ऑफ का बटन है और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है प्रेस एंड होल्ड टेम्परेचर 3 सेकंड, मतलब टेम्परेचर के बटन को आप 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो टब क्लीन लग जाएगा। तो टब क्लीन के अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टब क्लीन, तो आपको पहले इसको प्रोग्राम सेलेक्टर को टब क्लीन वाले प्रोग्राम पर लाना पड़ेगा। हम यहाँ पर टब क्लीन वाले पर लेकर आए हैं, अब टेम्परेचर के बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस रखना पड़ेगा और इस तरीके से टब क्लीन आप इस मशीन पर लगा सकते हैं, क्योंकि इस मशीन का मेन फंक्शन स्टीम है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीम। और वारंटी की मैं बात करूँ तो IFBB भी सबसे बड़ी वारंटी देती है इंडियन मार्केट में, 4 ईयर की इस मशीन पे कंप्लीट वारंटी है, 10 ईयर ऑन मोटर वारंटी है एंड 10 ईयर स्पेयर पार्ट सपोर्ट है, जो कि इतना कोई भी ब्रांड नहीं देता इंडियन मार्केट के अंदर दोस्तों। तो इसकी बात करें डिटर्जेंट ट्रे की दोस्तों, तो ये डिटर्जेंट चैम्बर है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्री वॉश चैम्बर, ये है मेन वॉश चैम्बर और ये है एडिटिव चैम्बर। मेन वॉश चैम्बर के अंदर आपको ये भी मिलेगा जिसको लिक्विड डिटर्जेंट डिस्पेंसर ट्रे कहते हैं और ये सिर्फ आपको IFBB की मशीनों में मिलेगा दोस्तों, आपको और दूसरे ब्रांड में ये लिक्विड डिटर्जेंट डिस्पेंसर नहीं मिलता। तो आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसको यूज़ कीजिए, अदरवाइज नॉर्मल डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डालिए। इसके अलावा मैं इसके एक बार ड्रम आपको दिखा देता हूँ, ये इसका ड्रम है आप देख सकते हैं, ये पूरा स्टेनलेस स्टील का ड्रम है, और यहां पर है नीचे इमरजेंसी ड्रेन आउट जहां पर आपको मिलेगा ये लीवर जिसको आप खींच के इस मशीन को मिड साइकिल में कभी भी ओपन कर सकते हैं। ये जो आप पाइप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये यहां से वाटर ड्रेन करने के लिए है और यहां पर जो आप ये नीचे देख रहे हैं ये लिंट फिल्टर होता है, आप इसको खोलेंगे तो बहुत सारा लिंट भी आएगा और बहुत सारा कचरा भी आएगा, आपको वीकली 1 टाइम इसको क्लीन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस मशीन की प्राइसिंग की, तो इसकी MRP है 38,990 और बेस्ट प्राइस जो मार्केट में आपको मिलेगा लगभग 12-14% डिस्काउंट ऑन MRP होगा। ये डीलर टू डीलर वैरी करता है और ये स्टेट टू स्टेट भी वैरी करता है, तो प्राइस आपको हो सकता है अलग अलग डीलर में अलग अलग मिले और अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिले, थोड़ा बहुत प्राइस का वेरिएशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, MRP एग्जैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर लास्ट प्राइस एग्जैक्ट नहीं है, वो डीलर टू डीलर आपको अलग अलग मिल सकता है।
बात करें दोस्तों अपने दूसरे मॉडल की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था मैं आपको दूसरी मशीन के बारे में यानी दो मशीनों के बारे में बताऊंगा। तो ये तो थी हमारे पहला मॉडल जो कि 7kg का था। दूसरी मशीन के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, मैं आपको दूसरी वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो जो अपकमिंग वीडियो है उसमें आपको सेकंड मॉडल के बारे में बताऊंगा जो कि 6.5kg का मॉडल है और जिसका मॉडल नेम है सेनोरिटा SXS और ये भी स्टीम मॉडल है दोस्तों। तो कनेक्ट रहिएगा हमारे साथ और अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और अगर आपके कोई सवाल है कोई सुझाव है तो हमारे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दीजिएगा। दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।